दोस्तों, बुरी आदतें अगर वक्त पे ना बदली जाए तो वे आपके वक्त को ही बदल देती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कई साल रिसर्च करने के बाद पता लगाया कि पोर्न वीडियोस देखने वाले इंसान के ब्रेन और ड्रग्स लेने वाले इंसान के ब्रेन में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। पोर्न देखने वाले इंसान को जैसे ही शरीर में थोड़ी सी एनर्जी महसूस होती है, वह अपने आप को रोक नहीं पाता उस एनर्जी को नष्ट करने से। उसका दिमाग उसे उकसाने लगता है। वह अपने आप से बोलता है कि बस एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद नहीं देखूंगा। और सेम कंडीशन ड्रग्स लेने वाले इंसान की होती है। इस खतरनाक एडिक्शन को छोड़ना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। बहुत सारे लोग कोशिश भी करते हैं पर वह नाकामयाब रहते हैं। इस वीडियो में बताई गई बात की गहराई को यदि कोई भी इंसान समझ जाता है तो वह इंसान पोर्न वीडियोस देखने से पहले 10 बार सोचेगा कि ऐसी किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर ये चीज़ें हमारे ब्रेन पर इतनी हैवी कैसे हो जाती है। हमने इतने साल स्कूल में बिताए फिर भी हमें पढ़ाई करने की लत नहीं लगती, लेकिन कुछ ही दिनों में सिगरेट, पोर्न, ड्रग्स जैसी बुरी आदतें हमें अपना शिकार बना लेती है। कोई भी ऐसा काम जिसे हम किसी रिजल्ट के लिए करते हैं, चाहे वो किसी लड़की को नंबर देना हो या किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई करना, ये सब कुछ हमारे ब्रेन में रिलीज होने वाले केमिकल डोपामीन की वजह से होता है। डोपामीन नाम का ये केमिकल हमारे ब्रेन में तब रिलीज होता है जब हमें किसी काम को करने से खुशी मिलती है या हमें आनंद मिलता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई गेम खेलते हो तब आप अपने आप को रोक नहीं पाते, एक के बाद एक लेवल पार करते जाते हो, या फिर फेसबुक पर वीडियोस देखने लगते हो तब आप एक के बाद एक स्क्रॉल करते करते पता नहीं कितनी वीडियोस देख लेते हो और आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। इस तरह की एक्टिविटीज करने से हमारे ब्रेन में हाई डोपामिन रिलीज होता है, जबकि अच्छे काम करने से यानी पढ़ाई करने से आपके ब्रेन में लो डोपामिन रिलीज होता है। अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाए कि अगले एक घंटे के लिए आपको एक बुक रीड करनी है या फिर अपने मोबाइल में गेम खेलना है, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑफ कोर्स दूसरा, मोबाइल में गेम खेलना, क्योंकि इसमें आपको मेहनत नहीं करनी और मज़ा भी ज़्यादा आएगा और एक घंटे में आप बहुत सारी लेवल पार करोगे, यानी आपको जल्दी जल्दी बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, आपके ब्रेन में हाई डोपामिन रिलीज होगा। वही दूसरे ऑप्शन में आपको मेहनत करनी होगी और उसमें मज़ा भी नहीं आने वाला। बुक पढ़ने से किसको मज़ा आता है, तो आपका ब्रेन लो डोपामिन रिलीज करेगा। इस तरह से आपने अपने ब्रेन को हाई डोपामिन की लत लगा दी है, इसलिए अब आपको उन कामों को करने में ज़्यादा मज़ा आएगा जो बहुत जल्दी जल्दी आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामिन तैयार कर सके। इसलिए कोई भी इंसान बार बार पोर्न वीडियोस देखता है और अपनी सारी एनर्जी हाई डोपामिन बनाकर 2 मिनट का मज़ा लेने में गंवा देता है। अब आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक है। असल में प्रॉब्लम पोर्न वीडियोस देखना नहीं है, प्रॉब्लम है आपके ब्रेन को हाई डोपामिन लेने की लत। अभी आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है, अगर आप इसे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप किसी भी बुरी आदत पे जीत हासिल कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर कैसे हम अपने ब्रेन को, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इसका सिंपल सा आंसर यही है कि आपको अपने ब्रेन की आदतें बदलनी होगी। ये एकदम से नहीं किया जा सकता, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको अपने ब्रेन को जितना हो सके बोर करना होगा। कैसे? आपको अपने दिन की शुरुआत ऐसे कामों से करनी होगी जिसमें लो डोपामिन रिलीज होता हो। अगर आप सुबह उठने के तुरंत बाद ही अपना मोबाइल यूज़ करने लगते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी चीज़ों पे अपना टाइम बिताते हो, तो आपके ब्रेन में हाई डोपामिन रिलीज होगा। आपको उसका बिल्कुल विपरीत करना होगा। आपको ऐसी चीज़ें करनी होगी जो अच्छी भी हो और आपको बोरिंग भी लगे। ध्यान से सुनिए, ऐसी चीज़ें जो अच्छी भी हो और आपको बोरिंग भी लगे, जैसे एक्सरसाइज करना या स्टडी करना। आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा पकने वाले हो, आपका ब्रेन आपको यह सब कुछ करने से रोकेगा। लेकिन आपको यह सच्चाई याद रखनी है कि जिंदगी का असली मज़ा 2 मिनट का मज़ा नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। आपका ब्रेन अभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको उसे चैलेंज देना होगा कि मैं ये अच्छा काम करूँगा, तुझ में हिम्मत है तो रोक ले, मैं पोर्न वीडियोस नहीं देखूँगा, तुझ में हिम्मत है तो देख ले। शुरुआत में आप बहुत बार हार भी जाओगे, आपका माइंड आपसे जीत जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके ब्रेन का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। हाई डोपामिन लेने की आदत आपकी ख़त्म हो जाएगी, यानी जब किसी पेड़ की जड़ें काट दी जाए तो वह पेड़ ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार आपने अपनी बुरी आदतों की जड़ को ही काट दिया है, अब वो आपसे नहीं जीत सकती। फिर जो चाहो आप कर सकते हो, सब कुछ आपकी मर्जी से होगा। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल करो जो आप चाहते हो। आज की वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना। आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।